नमस्कार सभी दोस्तों को, साथियों। बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, वैद्य जी हमारे इंद्रजीत जी, उनकी वीडियो पर जितने भी रोगी आए सभी ठीक हो गए हैं। और वैद्य इंद्रजीत जो हैं बहादुरगढ़ में बहुत मशहूर हो चुके हैं। स्पेशल देखो आप, कमर दर्द, घुटना दर्द, कंधा दर्द, मतलब शरीर के जिन भी अंगों आपका दर्द हो है, सर्वाइकल हो है, तो वैद्य जी बहुत अच्छा इलाज यहाँ पर करे हैं। बहादुरगढ़ रेलवे रोड पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ, लोकेशन आपने एंड में दिखाऊंगा। तो अंदर चलते हैं और वैद्य जी ऐसे पूछते हैं कि वे किन किन बीमारियों का इलाज करें हैं और किस तरह से इलाज करते हैं। आ जाओ। तो देखो जी, हमारे वैद्य जी जो हैं इंद्रजीत जी यहाँ पे हैं, तो सबसे पहले इस भाई का इलाज होने लग रहा है। तो वैद्य जी, ये क्या हो गया था इस भाई का? सर इनको ना ये हो गया सर्वाइकल। अच्छा। सर्वाइकल करके इनके कंधा हो गया जाम, कंधा ऊपर नहीं उठता जी। इनको पहले मैंने दो बार किया है, वैसे ये रिलैक्स है, बिल्कुल ठीक है वैसे तो। हाँ। ये बाजू पहले ऊपर नहीं जा रही थी, ऐसे करके मैंने बाजू को उठा दिया था इनकी। ये देखो ऐसे करके बाजू उठ गई थी। तो भाई साहब, ये किस तरह चोट लगी आपके? भाई पहलवानी करते टाइम लगी थी या जो कर हमने कर लें थोड़ी पहलवानी पुलवानी, तो इसमें झटका आ गया, फिर ये सारा आड़े पहुंच गया। आड़े भी पहुंच गया? हाँ। तो मतलब हाथ उठा ना था? हाथ ना उठा था, पर आराम है, किसी ने दुकान बताई थी। अच्छा। तब एक बार दो बार करवाया है, इब आराम है, करवाता है ब्रह्मेंद्र। चलो भाई, आराम होना चाहिए। नशे में टाइट हो गई थी यहाँ से जी। तो मैंने ऐसे करके रिलैक्स कर दिया, बिल्कुल जैसे भी इधर से रिलैक्स होगी, इधर से भी रिलैक्स होगी। क्यों, हम सर्वाइकल के स्पेशलिस्ट है हमारा जी। सर्वाइकल कितना भी होगा ना, हम ठीक कर देते हैं पहले दिन से। सर्वाइकल आपका मैन है, मैन है जी। सर्वाइकल ना तो आप छोड़ते ही ना, छोड़ते ही नहीं जी ना। तो अपना किसी का कमर दर्द हो, कितना पुराना हो, कमर दर्द हो, घुटना खत्म हो गया हो किसका, जो भी दिक्कत होगी ऐसे तो वो ठीक हो जाती है हमारे पास। साइटिका का पेन होता है, एक टांग में दर्द होता है जैसे, वो चल नहीं पाता एक टांग से, वो भी ठीक हो जाता है। इस एल्बो में दर्द आ जाता है, अब किसी के पास कोई कहता है ये पता नहीं क्या हो गया। हाँ। ये कूनी का दर्द नहीं जाता जी। हम पहले दिन से निकाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे, है बड़ों का आशीर्वाद। पहले हमारे करते थे बड़े दादाजी, फिर पापा जी करते थे, उनके बाद हमने कर लिया। तो कुछ हम बालाजी के भक्त भी हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। जो वो झाड़े भी करते थे, हम भी करते थे। एक हमारा तेल इतना बढ़िया है, भाई जी को तेल दिया था, मैंने कहा ये तेल लगा के आप मालिश करके ना सिकाई कर लेना। जैसे इसने तेल लगाया, उसी की वजह से इनका ये कंधा ठीक हो गया। ठीक हो गया? हाँ जी हाँ जी। तो ये मैंने रिलैक्स कर दिया ऐसे करके। अच्छा, ये जो आप काम करो हो, ये आपके पुरखिया ही देन है, जैसे कि आपने पता है भाई कहाँ से हाथ फेरना है। जी 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 जी, वो हमारे बड़े करते थे, तो आजकल तो पहले बड़ों में बड़े ही करते होते थे। बिल्कुल। हमारे को तो वही देना है, उन्हीं के आशीर्वाद है। बिल्कुल। तो जैसे वो करते थे वैसे हम करने लग गए, जैसे लोग आते हैं वैसे ठीक हो जाते हैं। तो भाई दोस्तों, पुश्तैनी काम है, और मेरी पहली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, बहुत से मरीज वैद्य जी के पास आए। वैद्य जी जब उस टाइम थे ओमैक्स सिटी में बहादुरगढ़, लेकिन अब फिलहाल रेलवे रोड पर आ गए हैं, तो इसलिए वैद्य जी की वीडियो मैंने दोबारा बनानी पड़ी। और मैं भी वैद्य जी का धन्यवाद करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरी जो वाइफ है ये सामने बैठी जी जी जी, इसके घुटने में था डॉक्टर साहब, सारे का घुट है। तो वैद्य जी ने भाई तीन बार में जो है बिल्कुल इनका ठीक कर दिया। आज मैं धन्यवाद करने भी आया हूँ। और जो वैद्य जी का एक बार मैं फिर बता दूं, जो इलाज करने का तरीका है वो पुश्तैनी है भाई, जो इनके बाबा दादा रोया करते वो शुरूते ही ये काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो वैद्य जी कितने साल हो गए आपने काम करते? देखो 8-9 साल तो मेरे को ही हो गए। अच्छा। पहले बड़े करते थे, उन्होंने बीच में फिर छोड़ दिया था, उन्होंने छोड़ दिया था। अच्छा। करते थे उन्होंने बंद कर दिया बीच में। हाँ। कुछ टाइम बाद फिर मैंने कर लिया। आपने कर लिया? फिर मैंने कर लिया। मैं चल ऐसे लोग थे दुखी, लोग कहते थे भाई कमर में दर्द है, जाता नहीं है, सर्वाइकल है, निकलता नहीं है। मैंने कहा चल हम भी करना, ये लोगों का भला भी है। तो आपने मतलब 9-10 साल हो गए, उससे पहले जैसे पापा थे उनके पास आप रहा करते, ऑलरेडी सीख चुके थे आप? सीख चुके थे हम तो, सीख तो सीखने में भी कई साल लगे होंगे। तो पर घर का ही काम था वो, तो हम तो पास ही रहते देखते थे हर टाइम, तो फिर हमारे को मन नहीं करता था हम करें, वो पापा करते करते थे। तो अब ये कितने दिन में ठीक हो जाएगा ये? बस इसको ज्यादा नहीं तो ये 5 दिन तो आना ही पड़ेगा। जैसे 3 दिन अब तो ठीक हो गए, तीसरे दिन इनका वैसे तो ठीक है, तो वैसे 5 दिन का एक कोर्स होता है, जैसे हम कहते हैं 3 दिन 2 दिन 5 दिन आ जाओ। अच्छा। ठीक तो लोग पहले दिन ही हो जाते हैं जी, ज्यादा तो नहीं मैं कहता, 50% तो मेरे को लगता है कि वो ठीक हो जाते हैं पहले दिन। बिल्कुल। घुटना कितने किसी में गैप आ गया है, खत्म हो गए हैं, जैसा भी होता है, क्या करता हूँ इसको सेट करके ना एक पट्टी सी बांधता हूँ ऊपर, उसी की वजह से मैंने रोक लेता हूँ दर्द, दर्द पहले दिन ही रुक जाते हैं। तो कुल मिलाकर शरीर के जितने भी जोड़ हैं, हाँ जी हाँ जी, उनमें जितने भी दर्द हो भाई, घुटने का हो गया, पंजे का हो गया, हाथा में हो गया, कमर में L4 L5 में आ जाता है दर्द जैसे। अच्छा, यहाँ तक आ जाए?
हाँ जी यहाँ भी आ जाता है साइकिल करके, L4 L5 में दिक्कत आ जाती है, तो ये टेल्वो में भी दिक्कत आ जाती है, हमारा मंडूला होता है यहाँ पे, हाँ जी, हाँ जी। वो भी इसमें भी दर्द आ जाता है, इसकी वजह से एक टांग में दर्द चला जाता है, पूरी में टांग में दर्द चल ही नहीं पाता हूँ जी, वो चल ही नहीं पाता, इतना दिक्कत हो जाती है, वो भी नहीं साइटिका का पेन बन जाता है। एक किस्म तय जी, आप सेवाएं करना लग रहे हो, सेवा जैसे पहले बड़े करते थे अब हम करने लगे हैं। तो भाई एक भाई और बैठा है, उनसे पूछ लेते हैं, भाई साहब आपका क्या प्रॉब्लम है? मेरा थोड़ी सिर में दर्द की प्रॉब्लम है। अच्छा, इसका भी कर दो डॉक्टर साहब आप, सिर में जैसे की भारीपन हो इस तरह। आए थे ना पहले एक बार, मैंने किया, मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ, एक साइड जो है मेरे सिर में दर्द रहता था। अच्छा, अब पहले से आराम है, तो डॉक्टर ने बोला था कि दोबारा आना एक बार जी चेकअप करवाने जी, तो अब दोबारा आया हूँ मैं, दवाई लेके जाऊंगा और फिर प्रॉपर ठीक हो जाऊंगा। ना हो जाओगे भाई ठीक। तो भाई वह जिया का पहले भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था वीडियो पे, और इस वीडियो ने भी आप लोग भरपूर शेयर करियो, लाइक करियो। तो वह जी वहाँ ओमैक्स में थे आप? पहले तो मैक्स में ही थे। तो फिर क्या कारण हुआ जो रेलवे रोड पर आगे? वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही थी, पानी भरता था वहाँ पे, बिल्कुल, तो बारिश का टाइम था, तो इसको हमारे को यहाँ सवा महीना हो गया है, जब बारिशें आ रही थी परमानेंट ही हटी नहीं रही थी, तो वहाँ से पानी भरता था, तो जो पेशेंट जाता था वो थोड़ी दिक्कत होती थी। और मैं एक बात बताऊंगा अपनी तरफ से, मेरे पास भी बहुत शिकायत आई, क्योंकि मेरे पेज पर वीडियो थी आपकी, मेरे पास यह शिकायत आई कि भाई मंदीप भाई उनकी लोकेशन नहीं पा रही, वो कहाँ पे हैं, मतलब जी नहीं होंगे वहाँ, हाँ, क्योंकि वहाँ पानी भरा था दोस्तों, तो वह जी ने वहाँ से छोड़ दिया है, अब रेलवे रोड पर कर लिया है। एक और मरीज पीछे है, वह जी इनको क्या हुआ है? इनको मैंने कर दिया ये, इनको ये कमर में दर्द है इनके। अच्छा अच्छा, इनका कमर में दर्द है। ये भाई देखो, यो अंकल तो शरीर तो भी पूरा मोटा तगड़ा है, अंकल जी के खाया करो? अच्छा अच्छा, मतलब कुदरती है अपना, खानदानी है ये। अंकल जी पेट में दर्द है? नहीं पेट में नहीं है, नहीं इसमें है, केड़ में, कमर में, इसमें दर्द था। हाँ हाँ, ये तो चल ही नहीं पाते थे। अच्छा, ये बड़ी दिक्कत थी, अब मैंने इनको ऐसे सेट करके, ये देखो काला काला हो रहा है, काला हो रहा है, ये इसी करके ना काला काला हो रहा है, जहाँ जहाँ दिक्कत थी ना L4 L5 में, बिल्कुल, ये मैंने सेट कर दिया, ठीक, इसे इसको मैंने सेट किया अच्छी तरह, फिर इसको मैंने सेट करके, ये L4 L5 में दिक्कत आ जाती है ना, वो मैंने सेट कर दिया, अब इनका दर्द निकाल दिया मैंने, निकाल दिया, निकाल दिया, ऐसे निकल गया कि ऐसे लगाओगे ऐसे सेट हो जाए तो ठीक है, तो मैं झाड़ा भी कर देता हूँ, उसी से भी निकाल लेता हूँ। तो अंकल जी कितने दिन हो गए थे इसमें कमर में दिक्कत हुए? 15-20 दिन हो गए थे, अभी डॉक्टर ने दोबारा बुलाया था मेरे को। अच्छा, 15-20 दिन पहले आए थे, उसके बाद आराम होया कुछ? आराम है, 19-20 पूरा आराम है, पूरा आराम है। तेल लेने के लिए दोबारा आया था। अच्छा, दोबारा आए हैं भाई तेल लेने के लिए। तो वह जिया काम दोस्तों साफ सुथरा है, और पुरखिया का जो हाथा का होया कर वो है सारा सब कुछ, हाथा में जादू है वह जिया का। और लेडीज जितनी मेरी बहन माताएं आऊंगी इस पे दुकान पे वह जिया के पास, तो ये भी हमारे पास ही काम करती है, यहाँ पर अंजू बहन मिलेगी, और साथ में जैसे कि किसी माता बहन का दिक्कत हो तो भाई अंजू बहन सहायक है उसमें पूरी, मतलब थोड़ा कि वह जी हाथ पकड़ ले या इलाज करते समय अंजू बहन साथ में रहे, कुल मिला के सहायक है। और घुटने में आपका कैब आ गया, ये देखो हम बवासीर के स्पेशलिस्ट है हमारे पास। अच्छा, कोई पैसा नहीं लेते, मंगलवार को भरी धागे बांधते हैं, आपको कितनी ब्लीडिंग आती होगी हम पहले दिन ही रोकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका जिक्र कर दिया आपने, मैंने पढ़ा भी था। हाँ, तो बवासीर रोग एक ऐसा रोग हो है जिससे कि जिसका हो जाया है जी, वो बताते वक्त शर्मा हुआ है डॉक्टर आता है, तो भाई डॉक्टर साहब बवासीर का भी इलाज करें साथ में, वो फ्री कॉस्ट है हमारी, उसका कोई पैसा नहीं है भाई, वो फ्री सेवा है, वो हमारे बड़ों की देन थी जैसे भी है, तो ये बालाजी का भक्त भी हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि जितना मैं चाहता हूँ उतना ही कर देते हैं ठीक। ये देखो भाई बजरंग बली का पोस्टर पे फोटो भी लगा रखा है, वैद्य भगत है बजरंग बली के जी, 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 जी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी दोस्तों, जोड़ा के तो सारे दर्द डॉक्टर ठीक करे करे है, दर्द सिर में दर्द हो, साइटिका का पेन हो, कंधे में हो, एल्बो में हो, ऐसे कोई भी दिक्कत हो, ये हमारा तेल है, ये हम ऑनलाइन पे तेल भी बेचते हैं, ये वाला तेल है जी 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 जी। तो भाई सारा कमाल इस तेल का है, और हमारी उसे छोटी सी है, ये हमारी उसे और छोटी सी है, ये सारा कमाल दोस्तों इस तेल का, ये तेल का वैद्य जी के जो भाई हाथ हैं उनका कमाल है। और बवासीर का एक बार फिर बताओ कौन से दिन बांधते हो? ये मंगलवार को हम धागा फरी बांधते हैं भाई, मंगलवार ने दोस्तों कोई टीका नहीं लगा होगा, कोई दवाई नहीं देगा, तुमने धागे बांधे है, धागे कहाँ पे बांधो? पैरों के अंगूठे पे बांधते हैं भाई, जो पैरों के अंगूठे हो ना बवासीर के, जितने भी मरीज है एक बार आ जाइयो वैद्य जी के पास, बवासीर के कोई पैसा नहीं लेता, ये हमारे बुजुर्गों की देन है, जिसको मैं हाथ लगाता हूँ
पहले दिन ही भगवान की दया से ठीक हो जाएगा, 50% तो ठीक हो ही जाता है। तो पैरा में धागे बांधे जा है, ऐसे दो तीन दिन उसको आना ही पड़ेगा। देखो जी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप दो तीन दिन आते हैं, वो आए नाराज नहीं होता, कोई भी आएगा वो ठीक होके जाएगा हमारे से। तो भाई कोई नहीं, कोई दोस्तों एक या छोटी सी जानकारी वैद्य जी के बारे में दी है, आप लोगों ने पसंद आई हो वीडियो लाइक करियो, कमेंट करके भी पूछ सको, लेकिन साथियों इस वीडियो ने शेयर जरूर करियो ताकि जो रोगी भाई हैं उनने फायदा हो सके। ये हमारे नंबर ये दो ही हैं, आप इस पर और वैद्य जिया के नंबर वीडियो में भी देख लो, ये नंबर हैं, ये दो नंबर हैं वैद्य जिया के, और ये हमारा नंबर है। हाँ, इनसे अलग कोई भी नंबर नहीं है, और नंबर मैं वीडियो के ऊपर भी दे दूंगा। तो अभी दोस्तों मैं लोकेशन दिखा दूं आप लोगों ने, मैं बहादुरगढ़ शहर में मौजूद हूँ। ये इस तरफ आपने दिखा, देखो ये स्टेशन है, स्टेशन से मात्र आप 14-15 दुकान छोड़गा होगे, राइट हैंड में वैद्य जिया का जो दवा खाना है वो पड़ेगा, रेलवे स्टेशन प्राचीन शिव मंदिर के पास, काठ मंडी बहादुरगढ़, मतलब इस तरफ रेलवे स्टेशन हो गया और ये इस तरफ गया पूरा रेलवे रोड, रेलवे रोड बहुत ही मशहूर है। आपने स्टेशन के पास आना है, स्टेशन की तरफ आओगे तो 14-15 दुकान है वैद्य जिया की, ये बोर्ड आपने लागे दिखेंगे, और इस तरफ आओगे तो पूरा रेलवे रोड, आपने रोहतक रोड से आओगे तो पूरा क्रॉस करके यहाँ पर आना है। तो सभी साथियों दिल से धन्यवाद, वीडियो ने शेयर करियो दोस्तों, दबा गए, जय हिंद।